प्रोजेक्ट था। हाँ जी, यमुना क्लिनिक पर प्रोजेक्ट था, गंगा पे मैंने काम शुरू किया था। शुरू किया था, वो कहाँ तक पहुँचा? गंगा क्लिनिक का प्रोजेक्ट क्या है, हमारे यहाँ पे गंगा स्टार्ट होती है गंगोत्री से और कोलकाता तक। मैंने काम शुरू किया था क्योंकि हमारे अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज हैं, जब वो गंगोत्री से चलती है तब वो बड़ी साफ चलती है, लेकिन हर एरिया में अगर वो कानपुर आती है तो उसमें अलग इंडस्ट्रियल वेस्ट आता है, अगर वो कोलकाता आती है उसमें और अलग वेस्ट आता है, और कभी कभी क्या होता है हम उसके अंदर फूल पत्ते जो हमारी रिलीजियस चीज़ें हैं उसमें वो डालते हैं, जो कि बहुत हार्म करती है रिवर्स को, स्पेशली गंगा यमुना जो हमारी पवित्र नदियाँ हैं। तो उसके लिए मैंने काम किया था कि मैंने कानपुर का अलग पानी लिया, कोलकाता से अलग पानी लिया, और उसके लिए ऐसे एंजाइम बनाए, क्योंकि इवन कानपुर इटसेल्फ वहाँ पे जो गंगा है उसमें भी अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं, लेदर इंडस्ट्री का अलग वेस्ट जाता है, रबड़ इंडस्ट्री का अलग जाता है, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री की डाई अलग जाती है, वो डाई सारी जाती है, तो हर डाई के लिए एक एक अलग अलग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस किया था, और वो ऑर्गेनिज्म भी मैंने कचरे से ही बनाया था ताकि वो जो डाई है उसका थोड़ा सा सॉल्यूशन गंगा में, क्योंकि गंगा बह रही है वो अपने आप मल्टीप्लाई होंगे ऑर्गेनिज्म उसमें, तो गंगा जब बह रही है तो उसमें डाल दिया वो, और वो नेचुरल है, सारा वेस्ट से बना हुआ है, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनवायरमेंट, तो उसको जैसे जैसे गंगा बहेगी और जहाँ जहाँ वो जाएगी वो उसको साफ करके चली जाएगी। उसके लिए मैंने बैक्टीरियोफेजेस बनाया और बैक्टीरिया बनाया। मैडम ये जो गंगा से मैं हजारों करोड़ों की बात करती नहीं, मैं बात करती हूँ वेस्ट को यूटिलाइज करो, वेस्ट को यूटिलाइज करो, उससे प्रोडक्टिव बनाओ ना। हमने इस एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचा दिया, हमने इस एनवायरनमेंट को खराब कर दिया, उसको ठीक करने की जिम्मेवारी हमारी बनती है, और कोई नहीं करेगा इसको ठीक, और अदरवाइज नेचर क्योर इट्सेल्फ, हमारी धरती माँ हमारा नेचर अपने आप उसके सॉल्यूशन निकालता है, लेकिन हमें अपनी जो डिजायर्स हैं उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा। विज्ञान और तकनीक बहुत आगे निकल गई, हाँ जी, वर्तमान में हम कहाँ खड़े हैं? हर तरह की दुविधाएं हैं, 140 करोड़ का देश है, जो हमारी बनेगा तो हम पीछे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हम कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं एजुकेशन पे, हम पढ़ लेते हैं लेकिन उसको बेसिकली नहीं समझ पाते कि इसका कंसेप्ट क्या है, समझना और इम्प्लीमेंट करना। अगर क्लास में पढ़ाया जा रहा है बच्चे का ध्यान मोबाइल में है, मैंने मोबाइल मेरी पोस्ट डॉक्टरेट में लिया, मैंने पीएचडी तक मेरे पास मोबाइल ही नहीं था, वो भी मैंने क्यों लिया, क्योंकि मुझे घर से बाहर जाना है, पापा से बात करनी होती है, मैं मोबाइल कभी यूज़ ही नहीं करती, कभी यूज़ नहीं, मेरे को मोबाइल की ज़रूरत ही नहीं है, सोशल मीडिया पे नहीं मिलूंगी मैं सिर्फ लिंक्डइन पे मिलूंगी, क्यों? क्योंकि ये चीज़ क्या है, डिस्ट्रैक्ट करती है माइंड को, रील बनाना, वीडियो बनाना, ये उसके अंदर क्या है, बंदा उस चीज़ में जाता है, हम साइंस टेक्नोलॉजी जो हमने बेस सीखा है इसके अंदर सब कुछ है, तुम इसको अच्छे में यूज़ कर लो चाहे तुम इसको बुरी चीज़ में यूज़ कर लो, तो क्या है हम साइंस टेक्नोलॉजी, मैंने जो चीज़ सीखी वो चीज़ अभी भी यहाँ है, मुझे किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ये पता है इस किताब में अनंत नारायण के 83 पेज पे ये चीज़ लिखी हुई है, मुझे अभी भी पता है, और मैं मेरे स्टूडेंट्स को जो भी अभी मैं पीएचडी और पोस्ट डॉक्टरेट स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, मेरे पास अभी 10 पीएचडी और पोस्ट डॉक्टरेट स्टूडेंट हैं जो कि अलग अलग कंट्रीज़ के हैं, कोई ब्राज़ील का है, कोई इटली का है, कोई यूनाइटेड स्टेट्स का है, मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी का है, तो मैं उनको पीएचडी और पोस्ट डॉक्टरेट में सुपरवाइज करती हूँ, इवन मैं डायरेक्टर हूँ एनवायरमेंट की, लेकिन क्या है मैं ये चाहती हूँ कि मेरी नॉलेज, क्योंकि नॉलेज ट्रांसफरेबल होनी चाहिए, नॉलेज हमें दिमाग में नहीं रखनी है, हमें उसको ट्रांसफ़र, क्योंकि जितनी जगह वो ट्रांसफ़र होगी उतना कंट्री डेवलप होगा, उतने हमारे अलग अलग कंट्रीज डेवलप होंगे, और हमें अपनी अर्थ के लिए काम करना है, हमें अपनी अर्थ के लिए काम करना है, ना तो मैं भिवानी के लिए सोचूंगी, ना मैं हरियाणा के लिए सोचूंगी, मैं अपने देश, ये तो एक छोटी सी इकाई है, मेरे लिए मेरा घर मेरी अर्थ है, मुझे उसके लिए सोचना है कि मुझे ये अर्थ कैसे सेव करनी है जो पोल्यूटेड है, कैसे रिसोर्सेज को हमें सिक्योर करना है, वाटर रिसोर्सेज को कैसे सिक्योर करना है, पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल करना है, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, इन सब चीज़ों को हमें कैसे देखना है। तो शुरुआत मेरी कोशिश होती है मैं भिवानी से करूँ, भिवानी आया, हरियाणा आया, इंडिया आया, और इंटरनेशनल लेवल, मेरी कोशिश हमेशा इंटरनेशनल लेवल की ये जो टेक्निकली मैं इतनी साउंड हूँ कि हर कंट्री मुझे इनवाइट करता है, हर कंट्री मुझे बुलाता है, मैंने कभी भी आज तक विजिट वीज़ा नहीं लिया अपनी लाइफ में, हर कंट्री हर गवर्नमेंट मुझे काम के लिए बुलाती है, क्योंकि बाहर की जो कंट्रीज़ हैं वो नॉलेज देखती हैं, वो ये नहीं देखती कि इसने डिग्री क्या ली है, पोस्ट 3 पोस्ट डॉक्टरेट डिग्री
मैं नहीं समझती किसी के पास है। लोग पीएचडी तक ही थक जाते हैं, अपने यहाँ भी बड़े गिने चुने पीएचडी मिलेंगे, मेरे पास तो 3 पोस्ट डॉक्टरेट है। तो मैंने वो पोस्ट डॉक्टरेट नाम के लिए, डिग्री के लिए नहीं किया, मैंने वो नॉलेज उसमें गेन किया है, और अलग अलग फील्ड में, कोई मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, कोई इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में है, कोई माइक्रोबायोलॉजी में, उसमें क्या है ये सारे सब्जेक्ट कोलैबोरेट हो जाते हैं। एक एक एजुकेशन कचरा यूटिलाइज करना सिखाती है, एंजाइमोलॉजी एंजाइम प्रोड्यूस करना सिखाती है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी उसके डीएनए आरएनए निकालना, तो ये मैंने सबको जोड़ दिया ताकि मैं किसी भी फील्ड में मात लूं। एक आपका प्रोजेक्ट था मेरा एक प्रोजेक्ट, और मैंने उस पर बहुत काम किया, न्यूज़पेपर मीडिया में बहुत उसको निकाला। थर्मोकोल जहर है, थर्मोकोल जहर है, उसमें मैंने क्या एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाया था थर्मोकोल पे, कि पंडित नेकीराम शर्मा जी का बर्थडे था, वहाँ पे मैं मुझे अवार्ड के लिए बुलाया था, मैंने वहाँ एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, थर्मोकोल ग्लास लिया और उसके अंदर मैंने गर्म रिफाइंड तेल डाल दिया 45 डिग्री टेम्परेचर पे, रिफाइंड ऑयल जो वहाँ पे वो थी केटरिंग कंपनी आई थी, उनको बोला 45 डिग्री पे वो ऑयल लेके आओ, और वो ऑयल मैंने डाल के दिखाया, थर्मोकोल का ग्लास गायब हो गया, वो सारा मेल्ट हो गया। तो आप ये देखो, जब हम चाय दूध कोई भी चीज़ गर्म लेते हैं तो ये एक पॉलीस्टायरीन प्रोडक्ट है, तो ये जो पॉलीस्टायरीन है वो मिक्स हो जाता है सारा। जब आप थर्मोकोल के ग्लास में चाय लोगे तो आप ये देखोगे एक ऑयल की लेयर होती है उस पर हमेशा, वो पॉलीस्टायरीन है, जो ऑयल की लेयर है वो पॉलीस्टायरीन है, ये कैंसर का कारण बनता है, जो ये कैंसर का कारण है। तो मैं वही चीज़ बोल रही हूँ, हम अपनी डिजायर्स पे कंट्रोल करें। पहले कूलर होता था, बहुत अच्छा था, मिट्टी थी फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, सारे मेटल्स होते थे, सारे न्यूट्रिएंट्स होते थे, और हम उसको पीते थे, उसके बाद उसको तोड़ भी दिया, उसके बाद उससे दोबारा बना लिया, मिट्टी है। तो हम लोग अपनी डिजायर से कि नहीं बर्तन ना धोने पड़ेंगे, कम ना करना पड़ेगा, हम क्या सोचते प्लास्टिक और थर्मोकोल, हम ये नहीं सोच रहे कि इसका नुकसान कितना ज़्यादा। एक रिसर्च आई थी मैडम, ज्यादा वो प्रभाव करता है कैंसर बनाने में, पानी प्रभाव करता है कैंसर बनाने में, पानी खराब हो गया इंटीग्रेटेड वाटर बठिंडा साइड में, वो पूरा गांव कैंसर, हर घर में कैंसर का, वो इसलिए हुआ ना, जो हमारा वाटर टेबल है, हम क्या करते हैं कचरा डालते हैं नदियों में नहरों में, कचरा डाला वो वाटर टेबल के साथ कंटामिनेट हो जाता है। जब लेवल दोनों में, वाटर टेबल में और सीवरेज लाइन में, दोनों में फ़र्क होना चाहिए। जब हमारी नदियों में तुम कूड़ा डालोगे, रिवर्स में कूड़ा डालेंगे, तो वो वाटर टेबल के साथ मैच कर जाएगा, तो जो हाउस होल्ड वाटर जाएगा तो वो सारा कचरे के साथ मिक्स होके ही जाएगा।